हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मंदिर में पहुँच बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने लगभग 18 मिनट तक पूजा की। 8:42 पर पूजा शुरू हुई, जो 9 बजे तक चली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद अब और आगे कदम बढ़ा रही है। दीपावली के बाद प्रदेश सरकार कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही नियुक्तियां भी करेंगी। राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर पंजाब की सियासत फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के नेता राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर यानी पीके को फिर से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए ये नेता सक्रिय हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश से पूछताछ करेगी। इसके लिए गुरुवार को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। इसके तहत ऋषिकेश को एजेंसी के समक्ष शुक्रवार को पेश होना है। वैक्सीन निर्माता नोवैक्स इंक ने कहा है कि इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। कंपनी ने स्वास्थ्य एजेंसी को कोरोना वैक्सीन यानी NVX के लिए आवश्यक सभी मॉड्यूल सबमिट कर दिए हैं। बीते समय से देश में कोरोना वायरस पर लगाम लगी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 12,729 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में COVID-19 के कुल मामले 3,43,33,754 हो गए हैं। वहीं देश में सक्रिय मामले बढ़कर 1,48,922 है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली संस्थान सफर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में दीपावली के दिन PM2.5 का स्तर 298 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर तक पहुंच सकता है। वहीं दीपावली के अगले दिन 5 नवंबर को हवा में PM2.5 का स्तर 377 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकता है। मानकों के तहत हवा में PM2.5 का स्तर 60 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बाइक सवार 5-6 बदमाशों ने गांव कासन में एक मकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 6 लोगों को गोली लगी, इसमें एक की मौत हो गई है। एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बदमाशों की धड़ पकड़ के लिए इलाके में कई जगह नाकेबंदी की गई है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का 35वां मैच वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया। इस मैच को श्रीलंका ने 20 रन से जीत और इसी के साथ मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज का सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गया। वेस्ट इंडीज की 4 मैचों में ये तीसरा हार है और इसी हारन के कारण कैरिबियाई टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। वेस्ट इंडीज का इस T20 विश्व कप में प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दवा निर्माता कंपनी मार्क की कोरोना रोधी दवा को ब्रिटेन में गुरुवार को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस दवा को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।